छो वेलकम बैक टू माय चैनल. वेलकम टू अ फन स्ट्रीट शॉपिंग हॉल वीडियो. एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्ट्रीट शॉपिंग. आज पूरा वॉर होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है दिल्ली और मुंबई के बीच में. बड़ा घमासान सा माहौल होने वाला है. एंड अभी ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिकेट कमेंट्री दे रही हूँ, ना कि हॉल वीडियो बनाने बैठी हूँ. बट कुछ ऐसा ही होने वाला है. सच्ची मैं ऐसे झूठी एक्साइटमेंट नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव कंपेयर्ड द मोस्ट टू फेमस मार्केट्स इन इंडिया, विच इज सरोजनी मार्केट फ्रॉम दिल्ली एंड हिल रोड मार्केट फ्रॉम मुंबई. एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर फन. एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल चैलेंज. दोनों जगह मैंने खुद को 3000 का बजट दिया था. तो 3000 की शॉपिंग हमने दिल्ली से की है एंड 3000 की शॉपिंग हमने मुंबई से, विच इज हिल रोड. वी हैव अ ह्यूज हॉल. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. स्टार्ट विद द मुंबई हॉल. हिल रोड से मैंने शॉपिंग की है. इफ यू आर समवन फ्रॉम मुंबई, आई नो सबने बचपन से ही हिल रोड एंड कोलाबा कॉजवे से हम शॉप करते हुए आए हैं. एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज सो मच इन रश एंड एक्साइटमेंट कि मैंने वहां के कोई भी क्लिप्स व्लॉग ही नहीं किए है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉप. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टॉप. ये मुझे काफी यूनिक सा लगा. एंड वैसे भी अभी कटआउट्स वगैरह बहुत चल रहा है. एंड दिस वॉज इन लाइक अ बेज एंड व्हाइट स्ट्रैपी टॉप. एंड ये ऐसा सा कुछ नेकलाइन था एंड यहाँ से डीप था. तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. एंड प्राइजेस आपको स्क्रीन पे सारे ही आ जाएंगे. नेक्स्ट इज दिस डेनिम जैकेट विच आई गॉट इन द कलर ब्लैक, जो दो तीन वॉश के बाद थोड़ा सा फेड होने लगा. लाइक यू कैन सी थोड़ा यहाँ पे एजेस वगैरह पे चारकोल ब्लैक सा होने लगा है. बट इट वॉज अ ग्रेट परचेज. एंड ऐसे लेयरिंग के लिए या कभी बाहर जाते हैं बट यू नो स्लीवलेस पहनते हैं तो जैकेट वगैरह एज अ कवर अप ये काफी अच्छा रहता है. एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ डेनिम. नेक्स्ट वहां पे ना बीची से कपड़े काफी चल रहे थे, तो आजकल हम क्रोशे टॉप्स वगैरह देखते हैं. तो नॉट मी बट यू वॉन्ट बिलीव, माई मॉम पिक्ड मी दिस टॉप. And it is very revealing. I'm not someone, आपने देखा रहेगा मैं जल्दी ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ. But ये ऐसा सा है. And while trying, I figured कि इसमें पीछे का टुकड़ा इतना सा ही है. So if you are making something free size, firstly Indian markets में मुझे ये नहीं समझ आता था, cup sizing is very tiny. And mostly Indian women have a little bit over here. So, ये थोड़ा सा कप साइज इसमें बड़ा होना चाहिए था. एंड ये डोरी भी, बिकॉज वो पीछे तक फिट नहीं आ रही है मुझे, तो आई माइट हैव टू फाइंड सम जुगाड़. एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई फाउंड अ डेनिम जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा है जारा. अब कितना सच है या कितना झूठ वो मुझे नहीं पता, बट आई डिड फाइंड अ जारा. स्ट्रीट शॉपिंग में ये कॉन हो जाता है, वेदर यू लाइक शॉप फ्रॉम सरोजनी और हिल रोड, डेनिम्स जल्दी से नहीं मिलते. आई स्टिल लाइक बॉट दिस वन, बट जब मैंने घर पे पहना तो मुझे पीछे से वो खोल जैसा पड़ता है ना, वैसा हो रहा था. तो आई डिड लाइक टू टक्स ओवर हियर. सो नाउ इट इज फिटिंग मी ओकेश, बट द मटेरियल इज रियली गुड. यहाँ पे व्हाइट स्टिचिंग चल रहा है. एंड ऑफकोर्स हमने ये जारा में देखा है, काफी ट्रेंड्स भी काफी इसके चल रहे हैं. देन वी हैव लाइक अ कार्गो साइन पॉकेट ओवर हियर. प्रोबेबली ये जारा में 2-2.5 हजार का मुझे मिलता, बट स्ट्रीट मार्केट में कुछ 400 के आसपास का मुझे ये पड़ गया, विच इज अ ग्रेट पिक. देन आई गॉट दीज टू टैंक टॉप्स, स्पेगेटी स्ट्राइप वाले ऐसे मुझे मिल गए इन द कलर ब्लैक एंड सेम इन द कलर वाइट. दीज वर लाइक 100 ईच. एंड आप जब टी विला के बाजू की लेन में अंदर जाओगे ना, जो गली के पीछे की साइड पे काफी सारी शॉप्स वगैरह है, तो वहां पे ही हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्लोरल शर्ट्स. तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा. ये आपने पहले देख भी लिया रहेगा मुझे काफी बार पहनते हुए. एंड आई रियली लव द मटीरियल. दिस वॉज आई थिंक द बेस्ट पिक. द मटीरियल इज टॉप नॉच. आई वेंट फॉर दिस ब्लू काइंड ऑफ टोन जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे लेमन टाइप्स भी बना हुआ है. एंड इट्स वेरी ट्रॉपिकल. दिस इज द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई गॉट, विच इज टेक्निकली फॉर मॉम, बट उनको फिट नहीं आ रहा है. जैसे मैंने बोला साइजिंग काफी टाइम स्ट्रीट शॉपिंग करते टाइम ऑफ सी हो जाती है, तो दैट यू हैव टू बी पिकी विथ कि ये साइज मुझे होगी या नहीं होगी, बिकॉज ऑफकोर्स यू कांट ट्राई इट ऑन ओवर देयर. नेक्स्ट आई गॉट दिस अगेन, क्रोशे टाइप सा है बट वो काफी रिवीलिंग सा था. दिस इज मोर लाइक अ बेसिक टॉप, तो इसके अंदर आप ट्यूब या जो अभी स्पेगेटी टॉप मैंने आपको दिखाया वैसा कुछ आप अंदर पेयर कर सकते हो. एंड इट इज इन लाइक अ नाइस रस्टी कलर. ऐसा कलर मैंने पहना भी नहीं है, तो इट विड बी अ गुड लाइक अ कवर अप ऑल्सो और लाइक अ गुड फॉर लाइक अ ट्रॉपिकल वेकेशन. वन थिंग इज ग्रेट इन हिल रोड विच इज दे हैव 90% फ्रेश पीस. सारे फ्रेश पीसेस रहते हैं, वेर इन लाइक सरोजनी में
50 to 70% यू कैन से इज लाइक सेकेंड हैंड लाइक थ्रिफ्टेड क्लोदिंग मोस्टली. तो वहां पे आपको बहुत देख के चीजें लेनी पड़ती है कि होल वगैरह तो नहीं है ना एंड कुछ दाग नहीं लगा है, लाइक द यू हैव टू डिग इन, रियली मेहनत वहां पे करनी पड़ती है. बट अ वन मोर गुड थिंग इज प्राइजिंग सरोजनी की, लाइक हैट्स ऑफ, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज सच प्राइजिंग, बट हिल रोड अभी थोड़ा प्राइसी सा हो गया है, 50-100 रुपए भी ऐसे मर मर के वो लोग बार्गेनिंग करते हैं. तो ये मुझे थोड़ा सा एक कॉन लगा कि जब स्ट्रीट मार्केट रहता है तो वी फील कि थोड़ा ऐसे बार्गेनिंग होना चाहिए, एंड बीइंग अ गुज्जू गर्ल मेरे तो ऐसे जान पे आता है अगर कोई बार्गेनिंग नहीं करता है. तो आई पिक्ड आउट दिस प्रिटी, ऐसा लग रहा रहेगा आई एम प्लानिंग फॉर अ वेकेशन, बट नो गाइस, ऐसा कोई ट्रॉपिकल सा या बीची वेकेशन तो नहीं आ रहा है. बट आई फाउंड दिस ब्राउन कलर का मैक्सी ड्रेस सुपर गुड, एंड इसमें अगेन आई सेड ना क्रोशे वहां पे बहुत चल रहा था, तो अगेन इसमें यहाँ पे क्रोशे सा है, अंदर लाइनिंग भी दी है विच इज अ प्लस पॉइंट. एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है, तो आपको जितना टाइट लूज करना है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड इट गोज नॉट ऑल द वे डाउन बट थोड़ा एंकल लेंथ जैसा वो आपको हो जाता है. प्रॉब्लम ये है कि जब आप सरोजनी से जाके आते हो ना तो योर मेंटल स्टेट इज लाइक 50, 100, 150, एंड जब ऐसे कोई 300-400 बोलता है फिर बार्गेनिंग नहीं करता तो ऐसा लगता है आर वी पेइंग द राइट प्राइस और नॉट. बट या सबको ऐसे डेली पर्क्स नहीं मिल सकते हैं. आई पिक्ड दीज टू कॉट सेट एंड विद दैट अ हॉल इज कमिंग टू एंड वर मुंबई हिल रोड शॉपिंग, कैन यू बिलीव इट. सो ये मुझे कॉर्ड्स अच्छे से मिल गए एंड इट इज सो नाइस. ये मुझे एक लिनन का मिल गया कॉर्ड सेट एंड लुक एट दिस, ये पूरा खादी लिनन में है. सो दिस काइंड ऑफ प्रिंट यहाँ पे चल रही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. द मटीरियल इज वेरी ब्रीदेबल एंड नाइस. सो यहाँ पे ऐसे क्रॉप शॉप आपको शर्ट आ रहा है एंड नीचे यू गॉट सेम मैचिंग पैंट्स एंड आई वेंट फॉर दिस अगेन. इसके अंदर शर्ट है बट दिस इज लाइक अ लॉन्ग शर्ट विद लॉन्ग स्लीव्स यहाँ पे ऐसे, एंड देन सेम वे नीचे से ऐसे पूरे पैंट्स जा रहे हैं. सो या दैट वॉज द मुंबई हिल रोड हॉल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सरोजनी नगर हॉल. फर्स्ट आई पिक्ड आउट दिस टॉप एंड दिस वॉज जस्ट फॉर ₹100. तो ऐसे पोलो नेक टी शर्ट या राउंड नेक टी शर्ट काफी डेली यूज में भी काम आ जाते हैं. नेक्स्ट इज दिस टॉप जो पूरा ऐसे मेश सा टॉप है एंड इट्स लाइक अ रैप अराउंड थिंग एंड फुल स्लीव्स में है एंड आई रियली लव्ड हाउ यूनिक इट वॉज. And can you guess the price? Okay, 3 seconds le lo. 3, 2, 1. This was just for ₹50. 50 rupees mein kya milta hai? This top I just got it for 50 and I was shocked. I just confirmed twice with him ki ye pakka bhaiya 50 rupees ka hai. And wahan pe wo log na aise ढगला लेके बैठे हुए थे एंड ऐसे छोटे 2-4 रैक वगैरह थे, तो वहां पे दे हैड दीज टॉप्स एंड वगैरह फॉर 50 rupees. एंड जैसे मैंने बोला यू हैव टू डिग इन टू फाइंड समथिंग गुड. नेक्स्ट आई गॉट दीज पेयर ऑफ बॉटम, दीज आर लाइक अ ब्राउन ट्राउजर्स. इसकी फिट इतनी अच्छी है एंड इट फिट्स लाइक अ ग्लव, यू वोंट बिलीव इन. यहाँ पे साइड में छोटा इलास्टिक डिटेल भी दिया है, सो दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा, बिकॉज अगेन यू कांट ट्राई एंड यू कांट गो फॉर लाइक एक्सचेंज और एनीथिंग. बट इसका मटेरियल इज वेरी वेरी गुड एंड फॉर द प्राइस पॉइंट दिस इज द बेस्ट. आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे हिल रोड में डेनिम्स ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, बट सरप्राइजिंगली सरोजिनी से मैं बहुत सारे डेनिम्स उठा के लाई हूँ एंड इट जस्ट फिटेड. आई डोंट नो हाउ आई मैनेज टू फाइंड द राइट साइजेस फॉर मी. ऑल्सो हैड मेजरिंग टेप, तो मैं भी ऐसे मेजर करके ठीक से मैं सारे चूज कर पाई डेनिम्स. सो नेक्स्ट इज दिस चारकोल ब्लैक डेनिम, अगेन दे हैड लाइक अ इलास्टिंग थिंग ऑन द साइड एंड ये फुल ऐसे बैगी टाइप का जीन्स है एंड द मटीरियल इज सो गुड. नेक्स्ट आई गॉट दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड इट इज फ्रॉम अमेरिकन ईगल एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये जीन्स ये शॉर्ट्स ऐसे मुझे 150-250 का मिला है. आई वॉज क्रेजी ओवर देयर. ऐसा मत सोचना कि ये चैलेंज जितना ही मैंने लिया है उसके बाद दूसरे दिन मैं फिर से सरोजनी गई हूँ एंड सूटकेस भर के मैं सामान लेके आई हूँ. कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वुड लाइक टू सी जस्ट अ सरोजनी हॉल वीडियो या फिर सरोजनी के साथ कोई और ब्रांड में कंपेयर करूं, बिकॉज दिस इज नॉट इवन द हाफ स्टफ दैट आई गॉट. सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक कर दो अभी से ही वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो.
सो दिस इज द शॉर्ट्स, यहाँ पे ऐसे रिप्ड सा फुल है, इट इज अ हॉट शॉर्ट्स, ये काफी ऐसे छुटकू सा है, बट अगेन इट फिट्स लाइक अ ग्लव. अगेन दिस पेयर ऑफ डेनिम्स, अगेन इसके अंदर थोड़ा बहुत रिप्ड सा इसमें चल रहा है यहाँ पे, एंड देन दिस शेड ऑफ लाइट ब्लू एंड लिटिल बिट ऑफ डार्क ब्लू, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. एंड द मटेरियल इज सो सॉफ्ट एंड सो कंफर्टेबल. जब से मैं लाई हूं ना, मैं रोज यही जीन्स पहन रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी कंफर्टेबल. आई डिडंट एक्सपेक्ट सरोजनी, मतलब स्ट्रीट शॉपिंग से कभी मैं यू नो डेनिम्स वगैरह बाय करूंगी. देन आई ऑल्सो पिक्ड आउट अ बंच ऑफ जैकेट्स, वहां पे जैकेट्स की वेराइटी भी बहुत अच्छी थी एंड बहुत ही सस्ते दामों में. अभी सस्ता तो मुझे सरोजनी के लिए वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए बिकॉज सभी चीजें वहां पे सस्ती रहती है. फर्स्ट आई पिक्ड आउट दिस जैकेट, दिस इज इन लाइक अ खाकी टाइप ऑफ कलर यू कैन से, एंड यहाँ पे ऐसे बटन डिटेलिंग है, बहुत मोटा सा ऐसे थिक सा है, इट्स नॉट डेनिम ऑल्सो एग्जैक्टली बट काफी थिक है, एंड इट हैज पॉकेट्स ऑल्सो, यहाँ पे भी पॉकेट डिटेलिंग है एंड यहाँ पे भी, विच इज लाइक अ प्लस थिंग. एंड जैसे ही मैंने ये लिया एंड मैंने घर जाके दूसरे दिन पहना था, लाइक जो स्टे था हमारा, एंड आई लव्ड इट, तो नेक्स्ट डे मैंने जाके वही वेंडर से एक मिलिट्री ग्रीन में भी ग्लॉस लगाने की कौन, तो नेक्स्ट दिन मैंने ये वाला मिलिट्री ग्रीन जाके भी उनसे ले लिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज जैकेट्स आई लव. इफ यू हैव सीन ब्लेजर्स, जैकेट्स इज टोटली माय थिंग. आर यू रेडी फॉर द थर्ड जैकेट? आई एम श्योर यू आर नॉट, बिकॉज दिस जैकेट हैज ऑल माय हार्ट. लुक एट दिस, लुक एट दिस मास्टर पीस दैट आई फाउंड इन सरोजनी, एंड दैट टू जस्ट फॉर रुपीज 250. वो कुछ बोल रहा था 700-800, बट फिर मैं जम गई वहां पे बार्गेनिंग करने. फिर मैंने ना ऐसे वो 300-350 कुछ बोल रहा था, मैं वहां से निकल गई. एंड फिर मैंने ऐसे स्ट्रैटेजी के मैं धीरे धीरे जा रही थी, हाँ देख रही थी, अगेन मैडम आके ले जाओ, मैंने कितने में भैया ठीक है दे देना 250, एंड आई अंदर से इतनी खुशी थी, बट आई लाइक ठीक है चलो दे दो. ले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. दिस जैकेट यार, ये तो मैं कभी ना छोड़ू. अब देखो इसकी डिटेलिंग पीछे, यहाँ पे ऐसे बाइकर टाइप का बुलेट वगैरह बनी हुई है, एंड इट्स सच अ स्ट्रीट स्टाइल पीस, पेंट वगैरह किया हुआ है सब जगह, द टेक्सचर एंड द आर्ट इफेक्ट इज लाइक डिफरेंट. यहाँ पे ऐसे पैंडा जैसा टेडी बेयर सा बना हुआ है, एंड यहाँ पे भी आप अगर देखोगे यहाँ पे ग्लू वगैरह के ऊपर एनग्रेविंग लाइक वर्ड्स लिखे हुए है, and I loved, and you know एक ही पीस था and I wanted more of these jackets but मुझे कहीं भी और नहीं मिले, तो I'm glad that I actually picked out this one. and ये Instagram pages या brands वगैरह में ये बहुत expensive मिलते हैं. so I got these two pair of shorts, ऐसे trouser material में मुझे ये shorts मिल गए, and इसके ऊपर तो price इन्होंने लिखा हुआ है 1500 but 150 में मुझे ये 2 मिल गए हैं. वो जो 50 वाला ढगली मैंने बोला ना, उसके बाजू में भैया थे जिनके पास ये वगैरह था, फर्स्ट ही वॉज टेलिंग लाइक 100-150, बट 150 के अंदर मैंने 2 उठा लिए उनके पास. आई गॉट वन इन दिस चेरी रेड कलर एंड वन इन दिस खाकी कलर, एंड द मटेरियल इज सुपर सॉफ्ट. आई एम डाइसी इफ दिस विल फिट मी और नॉट, इसे लग तो रहा है फिट हो जाएगा, बट लेट्स सी. आई पिक्ड आउट दिस ग्रे कलर ड्रेस, यहाँ पे कोल्ड शोल्डर्स बने हुए हैं, एंड ऐसी सिंपल सी ड्रेस है, ऐसे डेली वेयर वगैरह के लिए मुझे काफी अच्छी लगी. मटेरियल थोड़ा ऐसे गर्मी दे सकता है, तो प्रोबेबली जो हमारी मुंबई की ठंडी वगैरह रहती है, जो ठंडी बोल नहीं सकते बट ठीक है, उसमें आई कैन जस्ट वेयर इट आउट. जो हमने मुंबई से लिया था हिल रोड से ब्राउन ड्रेस, वैसा ही मुझे सिमिलर सरोजनी से मिल गया, बट दिस वॉज ऑलमोस्ट हाफ अ प्राइस ऑफ दैट, एंड उसके अंदर क्रोशे था, यहाँ पे ऐसे नेट टाइप्स की पूरी डिटेलिंग दी हुई है. आई वुड अग्री इट्स नॉट एज फ्रेश एज द हिल रोड वन जो ब्राउन था, बट स्टिल मुझे काफी अच्छा लगा, सस्ता था, सो आई थॉट की फोटोज या ऐसे वेकेशन पे 1-2 बार पहन लूंगी. अगेन इट हैज लाइक दिस डिटेलिंग यहाँ पे, इलास्टिकी एंड अगेन एडजस्टेबल स्ट्रैप्स, एंड दिस डज गो ऑल द वे डाउन फ्लोर लेंथ तक, वो वाला नहीं जा रहा था. सो नेक्स्ट अगेन लाइक द जैकेट आई फाउंड अ लेदर स्कर्ट इन अ गुड मटीरियल,
and look at it, has pockets and the material is superb. It's not like those faux leather jiski papdiya aise nikal aati hai. This is really good. Andar achhi si lining bhi unhone di hui hai. And again, ye bhi mujhe kuch aise 100 rupaye ya 150 ka mujhe pada tha, waise hi racks wagaira mein tha. And it's like a proper length and fits like a glove. Mujhe Sarojini ka bag collection bhi bahut acha laga. Bahut quirky and acche bags the, and that too like 250-300 ke pricing mein, which is like great. So I picked out a bunch of bags. First I picked out this bag. This has like a pearl detailing. तो काफी इंडियन वगैरह में भी अच्छा लगता है, एंड लाइक क्रोकोडाइल ऐसा टेक्सचर भी है स्केन टाइप का इसके अंदर. नेक्स्ट आई गॉट दिस बैग, बीइंग अ मेकअप जंकी ऐसे लिपस्टिक था तो काफी इंट्रीगिंग सा मुझे लगा. सो दिस इज द लिपस्टिक, एंड ये ऐसे से कुछ खुलता है बैग. काफी अंदर से स्पेशियस भी है, काफी डिपार्टमेंट्स वगैरह भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड वहां पे एक शॉप थी, जब सीधा एंटर करते हो ना वहां पे लास्ट सेकंड लास्ट ऐसे कॉर्नर राइट हैंड साइड पे आपको शॉप मिलेगी जो सिर्फ बैग्स की है. वहां पे फ्लैट 250 या कुछ तो एक रेट लिखा हुआ रहता है, जो रेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो ये सारे बैग्स मैंने 250 ईच की प्राइस में मुझे मिल गए. अगेन आई गॉट दिस यूनिक बैग. ये ऐसे पूरा ऐसे ये जो भी जैसा रहता है ना, पूरा बैग उससे बना है. ऑफकोर्स द हैंडल थोड़ा ऐसा सा हो गया था, बट ठीक है, आई डोंट माइंड. आई एनी विच इज आई डोंट होल्ड इट लाइक दिस, आई होल्ड इट लाइक अ क्लच फैंसी सा. एंड ज्यादा स्पेस नहीं है इसके अंदर, फोन एंड क्रेडिट कार्ड वगैरह आप रख सकते हो इसके अंदर. बट द शेप, द हार्ट शेप रियली इंट्रीग्ड मी एंड मुझे बहुत लगा अच्छा, एंड ऐसा कुछ मेरे कलेक्शन में भी नहीं था, तो एडेड दिस बैग टू माई कलेक्शन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बोहो बैग मुझे मिल गया जिसपे ब्लैक थ्रेड वर्क किया हुआ है. यहाँ पे देख सकते हो अप क्लोज बीड वर्क भी है, एंड यहाँ पे पीछे आपको मिरर वर्क वगैरह भी आपको यहाँ पे पीछे मिल जाएगा. आई रियली लव दिस बैग. इसके अंदर आपको यहाँ पे उन्होंने चेन भी दी हुई है, एंड इट्स अ गुड बैग. जब आप ऐसे इंडियन आउटफिट या बोहो लुक करना हो तो ये बैग मुझे काफी अच्छा लगा. यस गाइस, दैट वाज द सरोजनी वर्सेस हिल रोड हॉल. कमेंट्स में बताओ आपको सरोजनी कलेक्शन ज्यादा अच्छा लगा या हिल रोड का कलेक्शन, एंड आप दिल्ली से हो या मुंबई से, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आप बताओ कि कौन बैटल जीता, सरोजनी बैटल जीती या फिर हिल रोड. आप ही हो ऑडियंस, एंड आप कॉमेंट्स में मुझे डिसाइड करके बताओ. सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Love yourself and bye-bye.